28 तारीख को पिछले महीने की हमें अपनी सिस्टर एजेंसी से एक लेवल इनपुट मिला था जिसमें एक आईडी टाइप सर्कमस्टांस की इनपुट आई थी कि जो पूंछ में लाई गई थी। इनपुट मिलने के बाद जो हमारी सिस्टर एजेंसीज थी वो एक्टिवेट हो गई। इसके साथ हमारे सारे ऑफिसर्स, हमारे एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब, डीएसपी पीएम साहब, उनकी क्यादत में और जो हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट एजेंसीज है, बीएसएफ और सीआरपीएफ, उसकी डिफरेंट टीम बनाई गई उसको लोकेट करने के लिए, उसको पिन पॉइंट करने के लिए। टीम फौरन हरकत में आई और पूरे सिटी को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को स्कैन किया गया। और ड्यूरिंग स्कैनिंग हमारी एक टीम को, जो डिफरेंट एजेंसीज की टीम थी, एसओजी की थी और इसमें बाकी सिस्टर एजेंसी इन्वॉल्व थी, पता चला कि एक लेडी है जो एक हमारा नेट पार्क है वो वहाँ पर है और उसके पास कोई सस्पिशियस सब्सटेंस है। वहाँ पर उसको जीरो किया गया और हमारी टीम फौरन वहाँ पर पहुँची, उस लेडी को डिटेन करके उस एक्सप्लोजिव टाइप सब्सटेंस को उसके पोजीशन से बरामद किया गया, जिसको बीडी स्क्वाड की टीम ने फौरन अपनी तहवील में लाकर प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसको डिफ्यूज किया। आफ्टर डिफ्यूजिंग दैट एडिट, उस लेडी को जब क्वेश्चन करा गया, इनिशियली उससे डिटेल में क्वेश्चनिंग की गई और ड्यूरिंग सस्टेन्ड इंटरोगेशन उसने बोला कि ये जो उसको एक आईडी टाइप सब्सटेंस था उसको उसके हस्बैंड मोहम्मद आजाद ने दिया था और मोहम्मद आजाद जो है उसके कुछ रिलेटिव, उसके जो मेटरनल अंकल टिक्का खान पाकिस्तान में है और उसकी तहवील से ये उसने लाया था। इसके साथ साथ आजाद ने ये भी बोला कि जब उसके कन्फेशन में आया कि ये जो आईडी है ये कमरदीन ने लाया था और उसको दिया था। और इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सस्टेन्ड इन्वेस्टिगेशन जब इसमें करा गया तो कुछ नाम इसमें और भी आए, जिसमें एक वजाहत का नाम आया, एक कमरदीन का नाम आया और हमारी पुलिस पार्टीज ने, डीएसपी हेडक्वार्टर्स ने, एसएचओ पुंछ ने, डी एडिशन साहब ने इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया कि इसका पूरा चेन ऑफ इवेंट लेने के लिए कि ये कहाँ से आई, कहाँ तक पहुँची है। और इसमें भी जो अपना उभर के आया कि आजाद ने ये कमर से ली थी, उसमें दो बंदे बीच में और शामिल थे जिसका मैंने आपको नाम बोला, वजाहत और कमरदीन, उन सबको पकड़ा गया है। और इसके साथ साथ चूंकि जब ये वो आ गए और इसमें जो कमरदीन है इसके दो भाई नजार और लतीफ ये पार हैं और एज पर उनकी डेरोगेशन में आया जो उन्होंने बात की है, ये वहाँ पर मंग बंजरी कैंप में है और वहाँ पर ये उन कामों में मुलविस हैं जो हिंदुस्तान की सालमियत और हिंदुस्तान को खतरा पैदा करने वाले कामों में इन्वॉल्व है। इसको देखते हुए इस एफआईआर में जो हमने एफआईआर नंबर की, जब इसमें हमने जो केस है इसमें हमारी टीम थी, जो पुलिस की टीम, वो एक रूटीन अपने पेट्रोलिंग पर थी, उसमें हमें दो मशकूक आदमी मिले जिसमें कमरदीन है जिसका नाम उसमें भी आया है, आईडी वाले केस में भी आया है, और एक सज्जाद। और जब वो पुलिस टीम को देखकर उन्होंने वहाँ पर एक अजीब तरीके से उनका हरकत था जो कि नकलो हरकत, पुलिस टीम को लगा ये नकलो हरकत प्रॉपर नहीं है और उन्होंने पुलिस टीम को अवॉइड किया। जब उनको चैलेंज करा गया दे ट्राई टू रन अवे, लेकिन टीम अलर्ट थी, उन्होंने टैक्टिकली उनको काबू में किया और उनकी पोजीशन से, अपने कमरदीन की पोजीशन से 3 पैकेट और सजाद की पैकेट से 2 पैकेट हाई क्वालिटी अपना नारकोटिक्स लाइक सब्सटेंस मिला है जिसका फुल वेट, दोनों का वेट मिलाकर 6 किलो 280 ग्राम है। और जो जिसमें से जो इससे मिला है, कमरदीन से मिला है, वो 3 किलो 820 ग्राम है और सजाद से मिला है 2 किलो 460 ग्राम के पास है। इसके साथ जब कमरदीन को डेरोगेट किया गया तो कमरदीन ने अपनी इनिशियल डेरोगेशन में बताया कि ये जो नारकोटिक्स है ये तो लाया है। इसके साथ उसने अपनी शमूलियत जाहिर की कि ये जो आई डी वाला केस था उसमें उसने जो पार से, मैंने बोला कि उसके दो भाई पार हैं मंग बजरी में है, उसके सहयोग से उसने कुछ सामान भी लाया है और एक पिस्टल जो है वो उसके पास पड़ा हुआ है जो वो अपने इंकशाफ पर कवर कर सकता है। पुलिस टीम फौरन हरकत में आई, इलाकाई मजिस्ट्रेट को साथ लिया गया और इलाकाई फौज को अलर्ट किया गया और फौज के सहयोग से और इलाकाई मजिस्ट्रेट के साथ साथ उनके सामने उसने अपनी निशानदेही पर एक पिस्टल कवर कराया जो कि उसी केस के साथ जुड़ता है जिसमें हमारा आई डी मिला हुआ है। इसके साथ जो हमारा ये जो आप ये देखिए कि इसमें दोनों है, तभी मैंने आपको पहले बोला कि यूएपीए उस पर्ची में ऐड किया गया, ये ऐसा पर्चा था कि जिसमें सालमियत और ऐसे एक्शन किया गया था जिसमें हिंदुस्तान भारत की सालमियत को खतरा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसके साथ हमें ये नारकोटिक्स में भी काफ़ी बड़ी सफलता मिली है और बड़ी सफलता इसलिए है कि इसमें सिर्फ नारकोटिक्स में मिला है,
इसमें नारकोटिक्स को ये ट्रांसपोर्ट करने वाले हमको दो बंदे मिल चुके हैं और हमें पूरा इसमें जब ये इनिशियल स्टेज है हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें फर्दर और भी इसके फॉरवर्ड चैनल और इसके बैकवर्ड चैनल को भी हम इंटरोगेट इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन फ्यूचर इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन और भी अरेस्ट फ्यूचर में हो सकती है।